Good morning students, myself Dr. Navneet Franklin James, and today I am going to teach you about remote sensing and GIS. Now what is remote sensing? तो सिंपली अगर हम डेफिनेशन में ना जाके आपको पहले सिंपल समझाते हैं, रिमोट सेंसिंग कुछ नहीं है, किसी भी एरिया, किसी भी जगह या किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करना उस जगह पे जाए बिना। मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हम यहीं पे खड़े होके उस जगह की डिटेल ले सकते हैं। वो किस तरह से ले सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम चलते हैं डेफिनेशंस पे। दो डेफिनेशंस मैं बताऊँगा, एक बेसिक डेफिनेशन और एक बुक से। तो पहली डेफिनेशन जो है वो बेसिक डेफिनेशन है, जो है रिमोट सेंसिंग इज द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एरिया विदाउट बीइंग इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट। सेकेंड, साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एरिया, ऑब्जेक्ट और फिनोमिना थ्रू एन एनालिसिस ऑफ डाटा एक्वायर्ड बाय द डिवाइस दैट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द एरिया, ऑब्जेक्ट और फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन। दिस डेफिनेशन इज टेकन बाय लिसन एंड कीफर्स बुक। देन सम ऑफ द की टर्म्स विच विल बी यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग और विच विल बी स्टडीड इन द फर्दर स्टडी इज इमेज। नाउ व्हाट इज इमेज? इमेज इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीन रिकॉर्डेड बाय अ रिमोट सेंसिंग सिस्टम। सेकेंड इज सेंसर, a device to detect the electromagnetic radiations reflected or edited from an object. Third is platform, a vehicle to carry the sensors. Fourth is photograph, the art or process of producing image on a sensitized surface by the surface of light or other radiant energy. And the last is photo interpretation, the act of examining aerial photo or image for the purpose of identifying object and judging the significance. अब इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं। सबसे पहला इमेज। इमेज मतलब आपको एक सिंपल वे में बताते हैं, आपके पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल में आपने एक फ़ोटो खींची, वो एक इमेज हो गई। उसको हमने खींची किससे? आपके कैमरे से खींची, तो वो सेंसर हो गया। अब प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। प्लेटफॉर्म क्या है? आप अपने हाथ में पकड़ के उस कैमरे को फोटो खींच रहे हैं, तो वो जो है वो आपका एक प्लेटफॉर्म हो गया। नाउ उस चीज़ को, अभी आपकी वो सॉफ्ट में है, जब उसको आप हार्ड में अपने सामने रखेंगे या उसका प्रिंट निकाल लेंगे तो दैट इज़ नोन एज अ फोटोग्राफ। और लास्ट फोटो इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब ये है कि जब आप उस चीज़ को देख के उसके बारे में कुछ कमेंट करेंगे या उसको इंटरप्रेट करेंगे या किसी को बताएंगे कि ये मैंने उस समय ली थी या उस टाइम पे ली थी, तो दैट इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट इमेज। तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। नाउ वी कम टू द रिमोट सेंसिंग एलिमेंट्स। इन दिस इमेज यू कैन सी सम पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी। नाउ व्हाट आर दे? ए पॉइंट इज एनर्जी सोर्स, बी पॉइंट इज रेडिएशन एंड द एटमॉस्फियर, सी पॉइंट इज इंटरेक्शन विद द ऑब्जेक्ट। नाउ डी पॉइंट यू कैन सी रिकॉर्डिंग ऑफ द एनर्जी बाय द सेंसर, ई पॉइंट इज ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, एफ इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, एंड जी इज एप्लीकेशन। नाउ वी विल सी द प्रोसेस, हाउ दिस ए बी सी डी ई एफ जी इज द प्रोसेस। सबसे पहले देखेंगे हम ए पॉइंट। तो ए पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ए पॉइंट जो है वो सन दिख रहा है। तो सन क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपको आगे अगली स्लाइड में बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या कुछ एनर्जी सोर्स बोल सकते हैं हम, ये एक एनर्जी सोर्स है। तो क्या होता है, ये एनर्जी सोर्स मानते हैं हम, सन नहीं बोलेंगे इसको, हम एनर्जी सोर्स बोलेंगे। तो जो एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स से लाइट एमिट हुई, लाइट आगे बढ़ी। जब लाइट आगे बढ़ेगी तो वो बी मतलब एटमॉस्फियर से ट्रेवल करेगी, मतलब जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फियर से, ये देखिए ये एटमॉस्फियर से ये ट्रेवल कर रही है। तो ये बी पॉइंट जो है एटमॉस्फियर से ट्रेवल कर रहा है। जब वो एटमॉस्फियर से ट्रेवल करके कहाँ आ रहा है? अर्थ मतलब सरफेस पे आ रहा है। सरफेस पे आया तो वो सी पॉइंट हुआ, दैट इज़ इंटरेक्शन पॉइंट। तो सी पॉइंट है जो ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे बिल्डिंग भी हो सकती है, रिवर भी हो सकता है,
है ना, कोई पॉन्ड हो सकता है, पेड़ हो सकते हैं, या फिर गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, रोड भी हो सकती है, एनी थिंग विच इज़ ऑन द सर्फेस दैट इज ऑब्जेक्ट। तो जब वो ऑब्जेक्ट से टकराई तो कुछ चीज़ों को उसने अपने अंदर ऑब्जर्व किया, कुछ रेडिएशंस ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद जो रेडिएशंस बची उसको सी जो है वो ट्रांसमिट या फिर रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो वो फिर से एटमॉस्फियर पे जाएगी, जो कि आप दूसरे तरफ पॉइंट बी देख रहे हैं। पहला आपने पॉइंट बी देखा जो सोर्स से आया, जो दूसरा बी पॉइंट आप देखेंगे वो बी जो है वो जो है ऑब्जेक्ट से जा रहा है डी के पास। डी क्या है? डी हमारा रिकॉर्डिंग है, जो हम उस चीज़ को जो उसने रिफ्लेक्ट किया उस चीज़ को हमने डी में रिकॉर्ड कर लिया। जब वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई तो वो आगे बढ़ी कहाँ पे? सी पे। ये आप ट्राइंगल जो देख रहे हैं, ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं, ये ट्राइंगल पूरा सी है, ये एटमॉस्फियर नहीं है, ये ट्राइंगल की लाइंस हैं जो सी है, क्योंकि दो जगह रिसीविंग स्टेशन है, एक एटमॉस्फियर पे जो अबव सैटेलाइट पे भी है और एक ग्राउंड पे भी है। तो दोनों जगह पे वो ट्रांसमिट हुआ, रिसीव हुआ और उस चीज़ को हमने प्रोसेस कर लिया। सेम जैसे अभी आपको बताया था कि आपने एक फ़ोटो क्लिक करी तो आपकी इमेज बनी, तो वही चीज़ ट्रांसमिशन रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग हुई। उस प्रोसेसिंग के बाद वो आप देख रहे हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है एफ, जो एफ पॉइंट है उसमें आपने क्या किया? इंटरप्रेट किया उस चीज़ को और उस चीज़ को आपने एनालिसिस कर लिया कि हमने ये इमेज जहाँ से भी ली थी उस चीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, वो इंटरप्रिटेशन हुआ और उस चीज़ को एनालिसिस किया, और उसके बेसिस पे कि हमारी उस पर क्या, हमको उससे क्या चीज़ निकालना है या क्या चीज़ चाहिए है, वो हमने उसकी एप्लीकेशन बना दी, दैट इज़ पॉइंट जी। तो इस इमेज का जो भी हम चीज़ देख रहे हैं वो यही है, जो प्रोसेस है वो यही है ए से लेके जी तक। नेक्स्ट, अभी आपसे बात करी थी एनर्जी सोर्स की पिछले बारे में, तो एनर्जी सोर्स जो हम सन की बात कर रहे हैं, तो सन जो है जो एनर्जी सोर्स से जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो स्टार्ट हो रहा है गामा रे से और एंड हो रहा है रेडियो वेव्स या टीवी वेव्स पे। इसके बीच में और कई सारी रेज आती हैं, तो ये पूरी रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू आती है और जो कुछ एटमॉस्फेयर में ऑब्जर्व हो जाती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करता है और जो ऑब्जर्व नहीं होती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले है गामा रेज, देन एक्सरे, देन अल्ट्रावायलेट रेज, देन उसके बीच में आता है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम हम सब जानते हैं, विब्योर जो आप जानते हैं, दैट इज़ जो हम देख सकते हैं कलर्स, दैट इज़ विजिबल स्पेक्ट्रम। देन इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में भी नियर इंफ्रारेड है, देन थर्मल इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव है और लास्ट है रेडियो वेव्स। तो ये जो है जो गामा रेज है, गामा रेज से रेडियो वेव तक जो है वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है 10^-6 से लेके 10^8 तक जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। द नेक्स्ट इज सेंसर्स। सेंसर्स हमने देखा है, तो सेंसर जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंसर और एक होता है पैसिव सेंसर। तो एक्टिव सेंसर्स के बारे में पहले बताते हैं। एक्टिव सेंसर्स इज नथिंग बट द मेजर रिफ्लेक्टेड सनलाइट एमिटेड फ्रॉम द सन, मतलब जो एनर्जी सोर्स है, मतलब जो सन जो है, इसमें जो आप देख रहे हैं जो सन जो है वो सन से जो भी एनर्जी आ रही है वो ऑब्जेक्ट पे जा रही है और ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है वो आप देखिए, एयरक्राफ्ट एक दिख रहा है, उस एयरक्राफ्ट में एक सेंसर लगा है, वो उसको कलेक्ट कर रहा है, उसको मेजर कर रहा है उस एनर्जी को। तो ये पैसिव है। और एक और आप देखेंगे एक्टिव सेंसर, दूसरा जो है वो है एक्टिव सेंसर्स। एक्टिव सेंसर क्या है? इसकी खुद की एक सोर्स ऑफ लाइट होती है, उसको ज़रूरत नहीं है सन की। अब इसको आप समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए, आपके पास दो मोबाइल हैं, ठीक है, एक मोबाइल में आपके में फ्लैश है, दूसरे मोबाइल में आपके में फ्लैश नहीं है। तो जो फ्लैश वाला फ़ोन है दैट इज़ एक्टिव सेंसर, और दूसरा जो फ़ोन है आपका विदाउट फ्लैश दैट इज़ पैसिव सेंसर। मतलब क्या हुआ? अगर रात हो गई तो आपका जो फ्लैश वाला फ़ोन है वो काम आएगा, और जब तक सूरज है तब तक तो आपका पैसिव सेंसर काम कर रहा है, लेकिन जब रात हो गई तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ चीज़ चाहिए पड़ेगी ना, दैट इज़ एक्टिव
एक्टिव मतलब फ्लैश वाला फ़ोन, तो आप उसकी लाइट से दैट इज़ इल्यूमिनेट्स इट्स ओन लाइट, मतलब वो अपनी खुद की एक लाइट जनरेट कर रहा है, दैट इज एक्टिव सेंसर्स। सो दिस इज बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स। नेक्स्ट वी विल सी दिस इज अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है, हमने पीछे देख लिया है कि जहाँ सेंसर्स को रखने के लिए कुछ चीज़ चाहिए पड़ती है, सेंसर्स अपने आप नहीं मूव करेगा, सेंसर को रखने के लिए एक चीज़ चाहिए पड़ेगी, दैट इज़ नोन एज प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म हम बेसिकली देख रहे हैं तीन टाइप से शो कर रहा है, पहला है ग्राउंड बेस्ड, दूसरा है एयर बेस और तीसरा है स्पेस बोर्न। तो जो ग्राउंड बेस है, ग्राउंड बेस एग्जांपल हम दे चुके हैं कि आपके पास मोबाइल है या आपके पास कैमरा है, तो आप अपने मोबाइल से या कैमरा से जो भी फोटो ले रहे हैं दैट इज़ ग्राउंड बेस। या आप उसको क्रेन पे खड़े होके भी ले सकते हैं, बिल्डिंग पे खड़े होके भी ले सकते हैं, किसी पहाड़ पे जाके भी आप ले सकते हैं, दैट इज़ नोन एज ग्राउंड बेस। दूसरा है आपका एयर बेस। एयर बेस में क्या होता है, या तो हम हेलीकॉप्टर की मदद लेते हैं या फिर हम एरोप्लेन्स की मदद लेते हैं। तो जब हम इस पे जो अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो दैट इज़ एयर बेस। और तीसरा है स्पेस बेस। स्पेस बेस में आप देख सकते हैं साइड में ये सैटेलाइट बनी है, ये है हमारा स्पेस बेस, मतलब जो हम सैटेलाइट के थ्रू रिसीव कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं एनर्जी को, दैट इज़ स्पेस बेस। अब इसकी जो हाइट है वो कितनी हो सकती है, वो हाइट जो है वो 1 मीटर से चालू होके 36,000 किलोमीटर तक हो सकती है। तो जो 36,000 किलोमीटर पे है वो हमारी सैटेलाइट है और जो 1 मीटर पे है वो हम खुद हैं। फिर ये तो हुआ हमारी सिर्फ रिमोट सेंसिंग की बात। अभी तक हमने इमेज कैसे क्या लेते हैं, कैसे आती है, क्या होता है वो देखा। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज़ GIS। GIS का मतलब क्या होता है, कैन सी ज्योग्राफिकल या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये क्या होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नथिंग, इट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, स्टोरिंग, चेकिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा रिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस में जो चीज़ जहाँ पे हमने रिकॉर्ड करी है उसको हम कैप्चर करें हैं तो उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, उसको हम कुछ एडिट भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल है, सेम मोबाइल में हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में जैसे हमने फ़ोटो खींची उसमें हमने कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे आजकल जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं कुछ ब्यूटी प्लस करके, तो उसमें आप कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब हमारे पास कंप्यूटर पे डाटा आ गया है तो कंप्यूटर से हम उस चीज़ को एडिट भी कर सकते हैं, उस चीज़ में हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को देखते हैं। तो इसको सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि हम यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको हम देख सकते हैं आप कि गवर्नमेंट बेसिस पे भी ये यूज़ होता है। या फिर आप देख सकते हैं कहीं ट्रांसपोर्टेशन में आप मैप्स देखते हैं, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में जब आप मैप्स देखते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं कि हमको इस जगह से इस जगह जाना है, तो आपको उसका पूरा रोडवेज बता देगा कि आपके पास यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये वाली रोड भी है, ये वाली रोड से भी जा सकते हैं, अब आपकी सुविधा है आपको जहाँ से जाना है। तो सिंपली GIS यही काम करता है, इसी चीज़ को बनाने का काम करता है। अब GIS के फंक्शंस क्या हैं, GIS के फंक्शंस हैं बेसिकली डाटा एक्यूजन। उसमें क्या होता है, उसमें इनपुट करते हैं और हम प्री प्रोसेस करते हैं किसी चीज़ को। फिर सेकंड होता है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट का मतलब होता है स्टोरेज एंड रिट्रीव करते हैं हम उस चीज़ को। देन थर्ड डाटा इंटीग्रेशन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन द डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर उसके बाद जब ये सब हो गया तो हम उस चीज़ को जनरेट करते हैं, दैट इज मैप जनरेशन, दैट इज डिस्प्लेइंग एंड प्रेजेंटिंग समथिंग और आवर डाटा अकॉर्डिंग टू आर सेल्फ। अब हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, GIS या रिमोट सेंसिंग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो जियोस्पेटियल डाटा है दैट आर मेंटेन्ड इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। मतलब ज्योग्राफिकली हमको पता है कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम डाटा को देख रहे हैं, तो जो चीज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग जहाँ पे है, जो बिल्डिंग जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट मूविंग ऑब्जेक्ट्स चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए जो बिल्डिंग्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं या एनी थिंग, दैट इज रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, वो अपनी जगह पर ही रहेंगे जियोस्पेटियली। तो जियोस्पेटियल डाटा आर बेटर मेंटेन्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, देन हम उस चीज़ को बार बार रिवीजन एंड अपडेशन आर ईजियर, उस चीज़ को हम रिवाइज भी कर सकते हैं और उसमें अगर कुछ अपडेट करना है तो वो अपडेट भी कर सकते हैं। देन जियोस्पेटियल डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर ईजियर टू सर्च
एनालिसिस एंड रिप्रेजेंट. अगर बाय चांस कुछ चीज़ हमसे मिसप्लेस हो गई है तो हम उसको डायरेक्टली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के थ्रू उसको डाल के हम सर्च कर सकते हैं, फिर उसको एनालिसिस कर सकते हैं और उस चीज़ को हम फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देन जियोस्पेटियल डाटा कैन बी शेयर्ड एंड एक्सचेंज फ्रीली. अब ऐसा नहीं है कि हम इसको शेयर नहीं कर सकते, इसको हम शेयर भी कर सकते हैं और एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं. किसी के पास हमसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हम उससे ले सकते हैं, हम उसको अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. देन इट सेव्स आवर टाइम एंड मनी ऑल्सो. और फिर इसके अलावा बेटर डिसीजंस कैन बी मेड. अब आप बोलेंगे कि टाइम एंड मनी कैसे सेव कर रहे हैं, क्योंकि हम उस जगह पे जा ही नहीं रहे. उस जगह पे जब हम नहीं जा रहे तो हमारा उतना टाइम बच गया ना, हम यहीं पे बैठे बैठे उस जगह का लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड डाल देंगे तो वो जगह हमारे सामने आ जाएगी. तो वो जगह जब हमारे सामने आ गई तो हम उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ना जा वहाँ तक जाने का कुछ पैसा वेस्ट होगा. तो इसीलिए टाइम एंड मनी और उस चीज़ को देख के हम उसका बेटर डिसीजन ले सकते हैं. नाउ अब इसका यूज़ क्या है GIS का, हम क्यों पढ़ रहे हैं या हम क्यों पढ़ें या हमें क्यों जानना चाहिए GIS. उसके लिए बेसिकली हमको पता चल जाता है लोकेशन, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे है, दैट इज़ लोकेशन. दूसरी चीज़ ऑब्जेक्ट. अब वो चीज़ वहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट क्या है कि वहाँ पे क्या और क्या क्या चीज़ है या क्या क्या है वहाँ पे, दैट इज़ वेयर इज़ दैट ऑब्जेक्ट. लोकेशन में वॉट इज़ एट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट में वेयर इज़. देन पैटर्न. अब कुछ चीज़ वहाँ पे है तो वो चीज़ को हम उसके पैटर्न के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कुछ ग्राउंड हुआ तो ग्राउंड के आसपास बिल्डिंग्स नहीं होंगी, है ना. तो ग्राउंड के आसपास जब बिल्डिंग नहीं होंगी तो हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये ग्राउंड होगा उस इमेज को देख के. तो इस चीज़ से हम पैटर्न्स भी हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है तो ये होना चाहिए. उसके अलावा ट्रेंड्स. ट्रेंड्स का मतलब ये होता है कि पहले क्या था और अब क्या है, है ना. पहले क्या चीज़ थी वहाँ पे और अब क्या चीज़ है. ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पहले, हो सकता है पहले एग्रीकल्चरल लैंड हो और आज की डेट में वहाँ पे बिल्डिंग बन गई हो. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अभी सोशल मीडिया पे आजकल लॉकडाउन के समय में हम देख रहे हैं कि सब अपनी 10 साल पुरानी इमेज डाल रहे हैं और साथ में अभी लेटेस्ट की इमेज भी डाल रहे हैं. तो क्या है, आप में कुछ चेंजेस आए. 10 साल पहले आप ऐसे नहीं दिखते थे, 10 साल बाद आप ऐसे दिखने लगे हैं. तो दैट इज़ द ट्रेंड. मतलब आप 10 साल पहले छोटे थे, अब 10 साल बाद आप बड़े हो गए हैं, आपका फेस चेंज हो गया है, आपके हेयर्स चेंज हो गए हैं. तो ये चीज़ें जो है दैट इज़ नोन एज ट्रेंड. नाउ वी विल स्टडी. अब GIS हमारे पास है अगर, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं क्या है. तो पहली चीज़ जो है 5-part सिस्टम होना चाहिए. 5-part सिस्टम में क्या होना चाहिए, पहला पीपल होना चाहिए. पीपल मतलब जिसको GIS के बारे में जानकारी हो. दूसरा डाटा. तीसरा हार्डवेयर. देन सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर्स. ये 5 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए. फिर उसके बाद 6 फंक्शंस ऑफ GIS. तो 6 फंक्शन ऑफ GIS में क्या क्या आता है. 6 फंक्शन ऑफ GIS में सबसे पहले कैप्चरिंग ऑफ डाटा, उसके बाद स्टोर डाटा, देन क्वेरी डाटा, देन एनालिसिस डाटा, देन डिस्प्ले डाटा एंड देन प्रोसीजर कह सकते हैं या उसको प्रोसेस करना कह सकते हैं, उसको हम आउटपुट जो लेते हैं दैट इज़. तो 6 फंक्शंस में ये चीज़ आती है. अब ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं GIS, वो किस बेसिस पे पढ़ रहे हैं या किस चीज़ में पढ़ रहे हैं, वो हम जो पढ़ेंगे या वो सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करेंगे कंप्यूटर पे अपने, वो कुछ सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स देंगे. बाकी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर जो इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू आप अपना काम ईजिली कर सकते हैं, दैट इज़ एडास इमेजिंग, दैट इज़ एनवी, दैट इज़ इल्विस एंड RGIS, पैक जियोमेटिक. ये सारे सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हैं ये मोस्टली पेड सॉफ्टवेयर है, बट इनके अलावा भी आप इमेज प्रोसेसिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं. जैसे फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है, QGIS हुआ, ऐसे करके और भी सॉफ्टवेयर नेट पे अवेलेबल हैं जो आपको इस चीज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं. थैंक यू.